हेलो दोस्तों, आपका फिर से मेरे चैनल पे मीना की रसोई में आपका स्वागत है। आपको ये पता है कि क्या है? ये मलाई है जो मेरी माँ काफ़ी दिनों से, ऑलमोस्ट 20-21 दिन से इकट्ठे कर रही थी घी निकालने के लिए। वैसे घी निकालने के तो दो, मतलब सबके अलग अलग तरीके होंगे, पर मैं तो अभी दो ही जानती हूँ कि एक वो कि इसे वो ठंडा कर कर मिक्सी में डाल के चला देने से सारा मक्खन ऊपर आ जाता है। फिर आप उस मक्खन को कढ़ाई में डाल के कुछ देर चलाओ, फिर वो घी निकल आता है। अब बाकी जो वेस्ट बचते हैं उसके आप कुछ लोग चीनी डाल के खा लेते हैं, नहीं तो कुछ लोग गाय कुत्ते को डाल देते हैं। लेकिन मेरी मम्मा इस तरह से नहीं बनाती। मेरी मम्मा घी को इस तरह से कढ़ाई में डाल के उन्हें पूरा पहले मैश कर लेते हैं, लाइक पोटैटो मैशर से। यस, पोटैटो मैशर से मैश कर लूँगी मैं इस तरह से, ऐसे ऐसे, ताकि ये जो मतलब है बड़े बड़े छोटे छोटे हो जाए। हाँ, मैश करके इन्हें खूब पकाते हैं। जब हम पकाते हैं तो घी अपने आप निकल आते हैं। घी निकल आते मतलब कढ़ाई से बाहर नहीं निकल आते, इसमें ही आ जाते, मतलब उप मलाई अलग और वो अलग। फिर हम उसे एक कपड़े में रख के छान लेते तो घी अलग हो जाते हैं और मलाई अलग। अब और उस तरह से निकालने में और इस तरह से निकालने में मेथड का अंतर है, और प्लस टेस्ट में भी अंतर आता है। मैंने दोनों ट्राई किया हुआ है। मुझे इस तरह से निकालने वाले घी में ज़्यादा टेस्ट लगता है, मुझे ज़्यादा टेस्ट आता है। उस तरह से मैंने कहा उसमें कुछ टेस्ट समझ नहीं आता वो, लेकिन अगर आप इस तरह से एक बार निकाल कर देखोगे ना, आपको ज़रूर पसंद आएगा। यही वाला मेथड में ना मैंने अपनी आंटी को भी बताया था, नेबर को भी बताया था, उन्होंने ट्राई किया था, उन्होंने बताया कि हाँ बहुत अच्छा टेस्ट था। शीला, अब मैं उस तरह से निकालूँगी। सॉरी।